सड़क पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि बूंदू से बड़ी खबर आ रही है, जहां खाई में गिरी कार, बार बार बचे कार सवार। कार में सवार थे चार लोग, हादसे में लगी हल्की चोट। गांव के लोगों ने कार में बैठे चारों लोगों को सकुशल गाड़ी से निकाला। रांची से टाटा जाने के क्रम में हुआ हादसा। आपको बता दें कि बूंदू थाना क्षेत्र के गोसाइडी मोड़ के पास का ये पूरा मामला, जहां खाई में एक कार गिर गई, लेकिन कार सवार जितने भी लोग थे उन्हें मामूली चोट आई है, सभी फिलहाल सुरक्षित हैं। आपको बता दें कि ग्रामीणों की मदद से सभी को सकुशल गाड़ी से बाहर निकाल लिया गया है, सभी ठीक हैं। रांची से टाटा जाने के क्रम में यह हादसा हुआ है। बूंदू थाना क्षेत्र के गोसाइडी मोड़ के पास का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां चार सवार लोग गाड़ी में गिर गए खाई में। आपको बता दें कि गाड़ी खाई में गिर गई, जिसके कारण से चार लोगों को मामूली चोट आई है, हालांकि चारों लोग सुरक्षित हैं। रांची से टाटा जाने के क्रम में यह हादसा हुआ। बूंदू थाना क्षेत्र के गोसाइडी मोड़ के पास का ये पूरा मामला। बूंदू में खाई में गिरी कार, बार बार बचे कार सवार। बता दें कि कार में सवार चार लोग हादसे में घायल हो गए हैं, हल्की चोटें आई हैं, हालांकि चारों लोग सुरक्षित हैं। ग्रामीणों की मदद से चारों को गाड़ी से बाहर निकाल लिया गया है। रांची से टाटा जाने के क्रम में यह हादसा हुआ है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे बूंदू से हमारे संवाददाता जितेंद्र सार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, सबसे पहले जानना चाहेंगे विस्तार से कि आखिर पूरा मामला क्या है। ये कार रांची से टाटा की ओर जा रहा था। बूंदू से करीब 1 किलोमीटर निकट गोसागी मोड़ के पास कार देखा अनियंत्रण होके खाई में गिर गया, तीन पलटी मरते हुए। जो खाई में गिरने के बाद चारों चक्का ऊपर हो गया, तो आसपास के गांव के लोगों ने, जो गोसाइडी गांव के लोगों ने दौड़ कर आए, चारों को निकाला गया और उसमें तीन को हल्की फुल्की चोटें आई है। उसके बाद ये पता चला कि ये लोग रांची से जमशेदपुर जा रहा था किसी काम को लेकर, लेकिन उसमें चारों में से एक जन आपका राजमहल से कोई इंस्पेक्टर है, ये बताया गया है। वो अपने काम से, किसी काम से जमशेदपुर जा रहा। उसके बाद अभी तक कुछ पता नहीं चला कि ये टीम कौन है और क्या है, लेकिन जैसे थाना वाला से पता किया गया कि ये इंस्पेक्टर था, किसी काम के सिलसिले से रांची होते हुए जमशेदपुर जा रहा था। इसी कारण में जो हादसा हुआ है वो काफी दर्दनाक हादसा था, लेकिन चारों बाल बाल बच चुके हैं। ये रांची टाटा रोड, मतलब आए दिन ऐसे घटना घटते हैं। पिछले बार भी जो नैलगारा टाइमरा दर्शनपुर थाना के निकट ऐसे ही कार पलट के गई थी, जिसमें चार लोग बाल बाल बचे थे, और आज ये घटना हुआ, जो गांव के लोगों ने ही दौड़ कर सबको निकाला और सुरक्षित स्थान पे रखा गया था। तीनों को हल्की फुल्की चोटें आए हैं, चारों सुरक्षित है। जी बिल्कुल जितेंद्र, जिस प्रकार आपने बताया कि चारों लोग सुरक्षित है, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चारों के चारों लोगों को हल्की चोट आई है और फिलहाल सभी सुरक्षित हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में बढ़ेंगे।